बाबूजी को देखकर आती हूँ उनका नाश्ता हुआ कि नहीं। निधि वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ। आओ निधि। वीरेन कहाँ है? वीरेन यहां पे आता है जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जॉगिंग करके आ रहा है? हाँ लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। आ जा नाश्ता कर। वैसे ताई जी मैंने गुड मॉर्निंग तो सभी को कहा था, शायद कुछ लोगों तक मेरी आवाज पहुंची नहीं। जो बातें दिल से कही जाए ना वीरेन, वो अपनों के कानों तक भी पहुंचती हैं और दिल तक भी। अगर ना पहुंचे तो शायद गलती हम में ही है। तूने दिल से कही होती तो जवाब जरूर मिलता। वैसे ताई जी क्या बात, सुबह सुबह आपने मुझे क्या ज्ञान दिया। लेकिन ताई जी ये बेचारा दिल इतनी चोटें खा चुके हैं कि चाह के भी कुछ कह नहीं सकता। वैसे ताई जी आपने क्या एक बात नोटिस की कि जब भी मैं इस घर से जाता हूं ना, निवेदिता के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। वैसे ताई जी मुझे आपकी एक राय चाहिए। वो क्या है ना, आजकल इस घर की हवा कुछ सही नहीं चल रही है, मेरा दम घुटता है और निवेदिता का हाल भी आप जानती हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं और ये यहां से कहीं दूर चले जाएं, इस घर से दूर, इस शहर से दूर, जहां भले हमें कोई पसंद ना करे लेकिन नापसंद भी ना करे। रेन, क्या जरूरत थी इतना? ताई जी आप ये सब कुछ छोड़िए और ये बताइए कि मेरा आइडिया कैसे लगा। अच्छा शादी के बाद से तुम दोनों कहीं गए भी नहीं हो, जा हुआ। ताई जी को तो मेरा आइडिया काफी अच्छा लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मैं कहीं दूर, अच्छा आइडिया। तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वीरेन नाश्ता कर लो। वीरेन क्या कर रहे हो तुम? देखना चाहता कि कमल के फूल के ऊपर ओस की बूंद कैसी लगती। अब बस तुम 6 माइल दूर हो मुझसे। हाथ हटाओ, तुम्हें नाश्ता नहीं करना है। एक शर्त। शर्त? तुम मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाओगी। वीरेन तुम भी बिल्कुल बच्चों की तरह इज्जत करते हो। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है ना तो बोल दो, वरना तुम्हारा पति पूरा दिन भूखा बैठा रहेगा। मंजूर है? अब ब्रेड, जूस, पिला दो। बस अब बाकी बात है। चलो अब अपने हाथ दो। अरे दो, बीवी के हाथों से खाने का मजा कुछ और ही।
थैंक यू। निवेदिता, यहाँ पे मेरा वॉलेट रखा था, तुमने देखा? रखा नहीं था, फेंका था। देती हूँ। इसमें कुछ पेपर्स थे। हाँ, कुछ पेपर्स इसके पास पड़े हुए थे, मुझे लगा किसी काम के नहीं तो मैंने फेंक दिए। क्यों, जरूरी पेपर्स थे क्या? जरूरी तो थे, लेकिन कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। दिल्ली से कालका 7 जनवरी, ये तो परसों की तारीख है। इसमें वीरेन का नाम भी लिखा है, पर वीरेन तो कल शिमला पहुंचे। ये टिकट निवेदिता, मुझे अंदर छोड़ा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक यहाँ हो? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या सोच रही, नजर लगाने का इरादा है क्या? वैसे जब भी तुम मुझे इस तरह देखती हो ना, तुम्हें पता है कि मेरे दिल में क्या ख्याल आता है? कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर, ताकि दुनिया की कोई भी परेशानी या मुसीबत तुम्हें छू ना पाए। वीरेन भैया, आप दोनों को दादाजी बुला रहे हैं। चलो, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग दादा सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। तो जल्दी सुनाओ बेटा, बहुत दिन हो गए इस घर में कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली। दादा साहब वो न्यूज। गुड मॉर्निंग दादा साहब। गुड मॉर्निंग बेटा। लीजिए, वीरेन भी आ गया। अब मैं इसके सामने सबको बात बताऊ तो गुड न्यूज ये है, दिल्ली से मिस्टर भाटिया का फोन आया था, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी, यहाँ तक कि उन्होंने वीरेन की बहुत तारीफ भी करी। कह रहे थे कि सूद साहब को एक और कंधा मिल गया, जिस पर अपनी बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां वो निश्चिंत होकर सौंप सके। शाबाश बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने जो वादा मुझसे किया था उसे पूरा करने में तुमने कोई चूक नहीं की। अब हम सब यकीन कर सकते हैं तुम। ये निवेदिता कहाँ है, आई नहीं तुम्हारे साथ? वो बाबूजी, शायद वो घर के कामों में बिजी होगी। बुलाओ उसे, मैं उसे यहाँ अपने पास देखना चाहता हूँ। जी दादाजी, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। बस दादा सर, अब आप जल्दी से ठीक हो जाएगी। निवेदिता, तुम अभी तक यहाँ? तुमने तो कहा था कि काम खत्म करके तुम दादाजी के कमरे में आ जाओगी, तो फिर? वो मैं। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तुम आना नहीं चाहती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सब भी होंगे ना वहाँ। मतलब? माँ और दादी माँ नहीं चाहते कि मैं दादाजी के करीब भी जाऊँ। निवेदिता, तुम इस धरती पर हो, पर अगर दादाजी तुमसे खुद मिलना चाहते तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।
विरेन प्लीज। नहीं निवित, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आओ। ये लीजिए दादाजी, आपकी बहू। बहुत बिजी है आजकल हमारी बच्ची, इतनी कि दादाजी को मिलना भी याद नहीं रहता। नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है, वो घर में कुछ काम थे इसीलिए। बेटा सिद्धार्थ ने मुझे अभी अभी एक खुशखबरी सुनाई है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। ये तुम्हारा पति यानी कि मेरा पोता अब बड़ा हो गया, अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। पर मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा वीरन का साथ दो, ताकि फिर से ये राना भटक जाए। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि तुम अपने दादाजी को भूलोगी नहीं। रोज सुबह एक बार मुझे मिलने जरूर आओगी, आओगी ना? जी दादाजी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।